प्रदेश में नई शिक्षा नीति के साथ ही बैग पॉलिसी भी लागू कर दी गई। नई बैग पॉलिसी में बच्चों को राहत देने के लिए कई सहूलियतें दी गई। बच्चों के कंधे का बोझ कम करने से लेकर वन डे नो बैग और नो होमवर्क डे जैसे प्रावधान हैं। लेकिन धरातल पर इस नियमों का कितना पालन हो रहा है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने कई स्कूलों का जायजा लिया है और जायजा लेने के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो क्या है आपको दिखाते हैं, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। स्कूल शिक्षा नीति के अलावा बैग पॉलिसी भी लागू की गई, जिसमें पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूल के बैग का वजन निर्धारित किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क नहीं देने की भी बात लिखी है। इसके अलावा एक दिन स्कूल में नो बैग डे रहेगा, जिसके चलते बच्चे एक दिन स्कूल में स्कूल बैग नहीं लाएंगे। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज होंगी। यही देखने के लिए आज हम राजधानी भोपाल के अलग अलग स्कूल पहुंचेंगे और देखेंगे कि नियमों का कितना पालन हो रहा है। राज्य शिक्षा विभाग की ओर से बच्चे के कंधे के बोझ को कम करने के लिए बैग पॉलिसी लागू की गई, जिसमें बच्चों की क्लास के हिसाब से बैग का वजन तय किया गया। साथ ही एक दिन बैग फ्री बात भी की गई। लेकिन वास्तव में क्या इन नियमों का पालन किया जा रहा है, इसे चेक करने के लिए हमारी टीम राजधानी भोपाल के अलग अलग स्कूल पड़ताल करने पहुंची। जब हम स्कूल पहुंचे तो मासूमों के नाजुक कंधों पर बैग का भार देखने को मिला। इन बैग में इतना ज्यादा वजन था कि बच्चों से सीधा चला भी नहीं जा रहा। हमने राजधानी भोपाल के अलग अलग स्कूलों का जायजा लिया। इस दौरान जब वेट मशीन में बच्चों के बैग का वजन किया तो खुद हैरान रह गए। दूसरी क्लास के बच्चे के बैग का वजन 3 किलो था, वहीं 6वीं क्लास के बच्चे का बैग 7 किलो का था। और आज हमारी टीम पहुंच चुकी है कार्मल कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ के हम बच्चे और पेरेंट्स से बात करेंगे कि एक्चुअली स्कूल की जो नई पॉलिसी आई है उसमें बैग का जो वजन है वो कम करने की बात कही गई है, और इसके अलावा जो नो बैग डे पॉलिसी है यानी बच्चों को एक दिन बैग से छुटकारा, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कौन सी क्लास में है? फर्स्ट में है बच्चा। और कितना बैग का होगा इसका वजन? कम से कम 6 से 7 किलो तो वजन होगा। 6 किलो का। पॉलिसी में ये भी कहा गया कि एक दिन बच्चों को बिना बैग के बुलाया जाएगा, क्या ऐसा कुछ नियम आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। आपके बच्चे डेली स्कूल लेके आते हैं? हाँ, डेली बैग लेके। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कितने मासूम और छोटे छोटे बच्चे हैं जो भारी भारी बैग लेके आते हैं, लेकिन जो पॉलिसी के बारे में जो है पेरेंट्स को नहीं बताया गया है। सर कौन सी क्लास में? ये KG 1, ये फर्स्ट क्लास में है। और कितना बैग का वजन? बैग का वजन तो बहुत ज्यादा है मैम। सर आपको जो बैग पॉलिसी के बारे में स्कूल की तरफ से बताया गया है? नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है। बैग में बहुत वजन रहता है इनके, आधी तो कमर उनकी ऐसी झुक जाती है, देखिए ना। नई बैग पॉलिसी पर नजर डाली जाए तो पहली क्लास के बच्चे के बैग का वजन 1.6 किलो से लेकर 2.2 किलो होना चाहिए। दूसरी क्लास के बच्चे के बैग का वजन 1.6 से 2.2 किलो होना चाहिए। तीसरी क्लास के बच्चे के बैग का वजन 1.7 से 2.5 किलो होना चाहिए। चौथी क्लास के बच्चे के बैग का वजन 1.7 से 2.5 किलो होना चाहिए। पांचवी क्लास के बच्चे के बैग का वजन 1.7 से 2.5 किलो होना चाहिए। छठवीं क्लास के बच्चे के बैग का वजन 2.0 से 3.0। सातवीं क्लास के बच्चे के बैग का वजन 2 से 3 किलो होना चाहिए। आठवीं क्लास के बच्चे के बैग का वजन 2.5 से 4 किलो होना चाहिए। नौवीं क्लास के बच्चे के बैग का वजन 2.5 से 4.5 किलो होना चाहिए। दसवीं क्लास के बच्चे के बैग का वजन 2.5 से 4.5 किलो होना चाहिए। जब हम पहुंचे भोपाल के कैंपियंस स्कूल तो यहाँ जब हमने 3rd क्लास के बच्चे का बैग देखा तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 3rd क्लास के बच्चे का बैग है जो कि 4 किलो का बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सरकार की तरफ से जो बैग पॉलिसी लागू की गई है उसके हिसाब से 3rd क्लास के बच्चे का जो बैग है वो 1 किलो का होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 किलो का जो बैग है वो मासूम जो है लेते जा रहे हैं। इसके अलावा हालांकि इस पॉलिसी में 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए बस्तों के वजन का निर्धारण नहीं किया गया है, इसका जिम्मा स्कूल प्रबंधन को दिया गया। स्ट्रीम के हिसाब से स्कूल को बैग के वजन को तय करना होगा। इस वक्त हमारे साथ स्कूली बच्चे मौजूद हैं, उनका हम यहाँ पे बैग का जो वजन है वो चेक कर रहे हैं। आप कौन सी क्लास? 6th क्लास में। और ये आपका बैग है? Yes. बिल्कुल, आप इधर देख सकते हैं कि जो 6th क्लास का बच्चा है उसका जो है 8 किलो का बैग है, यानी 8 किलो का जो बोझ है वो अपने कंधे पे टांगे। इसके अलावा हम दूसरे और बच्चों से भी कोशिश करेंगे बात करने की। बच्चे कौन से क्लास में हो आप? 5th।
फिफ्थ क्लास की बच्ची का जो बैग है इधर पे हम टेस्ट करेंगे। हम जो साथ में मशीन लेके आए हैं इसके मुताबिक जो है बिल्कुल ये बैग की भी आप देख सकते हैं 4 किलो का जो है सिक्स्थ क्लास का। हालांकि जो है सरकार की जो पॉलिसी है उसमें जो है 1 किलो से जो है 5 किलो तक का अलग अलग क्लास के लिए जो है इधर जो है वजन की बात कही गई है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है जिसके तहत स्कूलों में बस्ते के वजन को कम कर दिया गया। इसके तहत साल 2022 में ही स्कूलों को निर्देश जारी किए गए थे लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। इसके बाद भी कुछ दिनों पहले सरकार ने इसे सख्ती से लागू करने का फैसला किया लेकिन अभी भी इसका पालन नहीं किया जा रहा। जब हम राजधानी भोपाल के अलग अलग स्कूल पहुंचे तो वहां ना स्कूल प्रबंधन चाहता है कि बच्चों के जो कंधे का बोझ है वो कम हो, ना ही प्रशासन चाहता है। जो सारी चीज़ें बैग पॉलिसी लागू की गई हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पे दिखाई नहीं दे रही हैं। बच्चे आज भी भारी बैग लेके स्कूल आ रहे हैं। कैमरा पर्सन हरी के साथ अंजलि सिंह, INS 24x7 भोपाल। नई शिक्षा नीति के साथ स्कूल बैग पॉलिसी भी लागू की गई लेकिन स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग इसका पालन नहीं कर रहा जिसका खामियाजा मासूमों को झेलना पड़ रहा है। पॉलिसी लागू होने के बाद INS 24x7 टीम ने अलग अलग स्कूलों का जायजा लिया था। इस मामले में हमने बाल आयोग के सदस्य निवेदिता शर्मा से भी बात की। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग को इसका कड़ाई से पालन कराना चाहिए। निवेदिता शर्मा से बात की हमारी सहयोगी ने। भोपाल में स्कूल का नया सेशन शुरू हो गया तो वहीं बैग पॉलिसी जो लागू की गई है वो कहीं ना कहीं धरातल पे नहीं दिखाई दे रही है। तो उसी मामले में आज हमारे साथ बाल आयोग की सदस्य निवेदिता जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि मैम जो स्कूल बैग पॉलिसी में कहा गया था कि बच्चों के जो बैग का वजन है उसको कम किया जाएगा तो उसको लेके जो है धरातल पे चीज़ें नहीं दिख। देखिए ये तो बहुत लंबे समय से विषय चल रहा है और ये आज का विषय नहीं है। लगातार आयोग इसकी मांग कर रहा है। मेरे से पहले भी जो आयोग में लोग थे उन्होंने भी इसके लिए लेटर जारी किया कि जो बच्चों के वजन है बैग के उनको लगातार कम किया जाए। अभी भी हाल फिलहाल में जुलाई 23 में हमारी ओर से एक पत्र गया था और इस बार भी फिर मार्च में एक पत्र गया है, परंतु शायद शिक्षा विभाग उसको समझना नहीं चाह रहा है और स्कूल में जो संचालन करता है वो भी ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा वजन का बैग उतनी ज़्यादा हमारी पब्लिसिटी होगी कि इतना अच्छा पढ़ाया जाता है। माता पिता अभिभावकों को ये अपने आप में भी ये तय कर लेना चाहिए कि मेरा बच्चे कम से कम वजन के साथ में स्कूल जाए। और अभी तक आपको बताऊँ मेरे पास और ये आयोग में अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि बच्चे के स्कूल का वजन बैग का वजन ज़्यादा है। ये थोड़ा सा चिंताजनक लगता है। बाकी सारी चीज़ों के लिए शिकायत आती है परंतु कभी किसी ने स्कूल बैग के लिए आज तक हमारे पास शिकायत नहीं की। नहीं बिल्कुल मैम, हम राजधानी भोपाल के अलग अलग स्कूल पहुँचे थे, बाकायदा हम वेट मशीन लेके भी गए थे तो वहाँ जो 3rd क्लास के 4th क्लास के बच्चे उनके बैग का जो वजन है वो 3 से 5 किलो तक। तो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि आप किस किस को रोकेंगे और पेरेंट्स खुद भी रोक ले, पेरेंट्स स्कूल में जाके मना करें कि नहीं इतने। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो स्कूल बैग पॉलिसी लागू हुई है तो उस पर पेरेंट्स के साथ और जो स्कूल का प्रशासन है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि बाल आयोग ने इसको लेके जो है आदेश पहले ही जारी कर दिया है। अब जो है शिक्षा विभाग को इसमें कड़ाई से पालन करना होगा। कैमरा पर्सन सनी झा के साथ अंजलि सिंह, INS 24x7 भोपाल।